मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत है कि जिद मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो के तुम मेरे क्या हो। शहनाज जी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, उमेर के बारे में सोच रही थी। क्या यही कि अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। बात तो तुम ठीक कह रही हो, आज आ जाए तो बात करते हैं उससे। जी कहाँ हैं सब? कोई नजर नहीं आ रहा। सब शादी में गए। इजाज़ अंकल के बेटे की शादी है ना आज? ओह हाँ, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था। इतनी टेंशन में आ गया हूँ कि ज़हन से ही निकल गया। तो तुम्हें कौन कहता है कि इतनी टेंशन लो? सारा, मुझे आयशा की बहुत फिक्र होती है। सुहेब, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है, तुम्हें आयशा की फिक्र करने की अब कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? और तुम शादी भी क्यों नहीं गए? आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम तो जानते हो ना, नए लोगों को देखकर कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, फिर रोने लगती है, बस इसीलिए नहीं गई। थैंक यू सारा। थैंक्स किस लिए? आयशा मुझे भी उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें। तुमने आयशा की जिम्मेदारी लेकर मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। सुहेब, फिर वही बात, ये एहसान वाली बातें ना तुम मेरे साथ तो मत किया करो। तुम मेरे लिए कोई गैर थोड़ी हो, मेरे अपने हो, चाहे तुम मुझे अपना समझो या नहीं। सारा, शादी करोगी मुझसे? क्या कहा तुमने सुहेब? से शादी करोगी?